मुंगेर में मां सीता ने किया था पहली बार छठ, जहां आज भी उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के मां सीता के पद चिन्हों के निशान हैं मौजूद। उसके बाद ही उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में, यहां तक कि अब विदेशों में मनाया जा रहा छठ। मुंगेर छठ का पर्व उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, यही कारण है कि इसे महापर्व कहा जाता है। छठ व्रत के साथ कई मंदिरों और जगहों की महत्ता जुड़ी हुई है। इस कड़ी में एक नाम बिहार के मुंगेर का भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में माता सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके प्रमाण स्वरूप यहां आज भी माता सीता के अस्तचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते चरण चिन्ह मौजूद हैं। सीता के चरण पर कई वर्षों से शोध कर रहे शहर के प्रसिद्ध पंडित कौशल किशोर पाठक बताते हैं कि आनंद रामायण की पृष्ठ संख्या 33 से 36 तक सीता चरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुद्गल के आश्रम में माँ सीता ने छठ पूजन किया था। जहाँ माँ सीता ने छठ किया था वो स्थान वर्तमान में सीताचरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी माँ सीता के छठ पर्व की कहानी को दोहराता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने रामराज्य के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्हें वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मुद्गल ऋषि के आए बिना यह राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद ही श्रीराम सीता माता सहित मुद्गल ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां मुद्गल ऋषि ने ही माता सीता को यह सलाह दी थी कि वह छठ व्रत पूरा करे। आनंद रामायण के अनुसार राम द्वारा रावण का वध किया गया था। चूंकि रावण एक ब्राह्मण था इसलिए राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या से पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने मुगदलपुरी वर्तमान में मुंगेर में ऋषि मुद्गल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुद्गल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्महत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी इसलिए माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान माँ सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदीयमान सूर्य को पूरब दिशा की ओर अर्घ्य दिया था। आज भी मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूरब दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाया रहता है, जबकि गंगा का जल स्तर घटने पर 6 महीने ऊपर रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के प्रांगण में छठ करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये पर्यटक का बड़ा केंद्र बन सकता है। हाँ बताइए, श्रुति सम्मत और लोक सम्मत शास्त्र के अनुसार राष्ट्रीय यज्ञ के पहले गुरु वशिष्ठ के कहने पे माता सीता के साथ प्रभु राम मुंगेर आए हैं। गंगा के बीच में अवस्थित 5 छोटी छोटी पहाड़ियों के श्रृंखलाओं में पे, जिसे मुनि पर्वत के नाम से हम सभी जानते हैं, मुंगेरवासी जानते हैं, वहाँ मुग्दल ऋषि का आश्रम था। वहाँ माता सीता के साथ प्रभु राम गए हैं और उनसे आग्रह किया है राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने के लिए और आशीर्वाद की कामना की है। मुग्दल ऋषि कष्टरणी घाट पे स्नान के बाद यज्ञ कराए हैं और माता सीता को अपनी कुटिया पे, जहां आज सीता चढ़ है, वहां उन्हें सूर्य उपासना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र के संतान की समृद्धि के लिए, प्रजा भी चूंकि संतान होती है, इन दोनों भावों को आत्मसात कर माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में, जहाँ पहाड़ की श्रृंखला 5 पहाड़ी की श्रृंखला है, वहाँ सूर्य उपासना की थी। ऐसा लोक संबंध श्रुति संबंध बातें हैं जो हम लोगों ने पूर्व से सुनी और समझी है। आज भी अस्ताचल उदयाचल सूर्य को अर्घ देते जो माताएं खड़ी होती हैं तो पांव के चिन्ह आज भी माता सीता के उस पर्वत पर अंकित हैं, जहाँ आस्था के साथ पूजा करने क्षेत्र के आसपास के दूर दूर से जिलों के लोग, महिलाएँ आती हैं और मनौतियाँ पूरी होती हैं। और चूँकि छठ एक ऐसा उपासना का पर्व रहा है जिसे बिल्कुल पुरोहित वृत्ति से अलग सामाजिक समरसता के साथ मनाने की परंपरा भी है, संतान प्राप्ति के, संतान की स्थिति के लिए। इस नाते से मुंगेर से होता हुआ गंगा के अवस्थित जितने भी शहर हैं वहाँ छठ की परंपरा है। चूँकि बात यह उस समय त्रेता की है और पुरोहित वृत्ति उस समय चरम पे था, ऐसे दौर में और पुत्र के संतान की प्राप्ति, संतान की समृद्धि के लिए मुग्दल ऋषि द्वारा इस व्रत को, सूर्योपासना के साथ वाले व्रत को माता सीता ने किया और सीता के साथ आसपास के जो गांव और आश्रम के आसपास की महिलाएं भी थी वो सब भी शामिल हुई थी। माता सीता तो फिर जनकपुरी लौट गई, लेकिन
उसके बाद जो आसपास की माताएं थी वो इसको कंटिन्यू करने लगी और यहाँ से धीरे 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 बढ़ते हुए त्रेता से होता हुआ आज कलयुग के इस युग तक भी प्रचलन में आता गया और संतान की समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए बड़ी आस्था के साथ भी हम संगत माताएं इस व्रत को करती हैं। और सबसे बड़ी इस व्रत की विशेषता है कि बिल्कुल छुआछूत से ऊपर सामाजिक समरसता यज्ञ प्रभु है और जो मौसमी फल है, ऋतु फल है, उन फलों के साथ इस मौसम के आलोक में उन फलों के साथ इस व्रत को आस्था से महिलाएँ करती हैं और ऐसा मान्यता है लोकशास्त्र श्रुति सम्मत शास्त्रों के साथ यहीं से छठ की शुरुआत हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंडित कौशल।